तुम केवल सपने देखते हो, इस महीने रॉयल्टी पे जाऊंगा, सपना देख लिया, अब 30 दिन तो कुछ नहीं कर रहे, फिर लास्ट दिन जाग रहे, मेरा टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा। अरे भाई 30 दिन का टारगेट था तो 30 दिन में रोज का टारगेट बनाना चाहिए, रोज में 8 घंटे अगर वर्किंग है तो 1 घंटे का टारगेट बनाना चाहिए, 1 घंटे में रोज क्या क्या करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, तब टारगेट पूरे होते ना। तुम क्या करते हो, सीधा सपना देख लेते हो, फिर टारगेट होता नहीं, लास्ट दिन में आप धुआं धूं उल्टे पुल्टे काम करते थे। हम नहीं करते थे, हम क्या करते थे, कौन कौन होशियार बच्चे की लिस्ट बनाते थे, कौन कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है उसकी लिस्ट भी बनाते थे, और कौन कौन किस चैप्टर में होशियार है उसकी लिस्ट भी बनाते थे। मैथमेटिक्स का एग्जाम आता था तो हम पहले क्लियर कर लेते थे, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न पूछेंगे तो इसी से पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ये होशियार है, परसेंटेज में ये होशियार है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है, और एग्जाम आता तो उनसे भी ज्यादा नंबर हमारे क्यों आते, क्योंकि ये सारे बच्चे अपने दिमाग से पास होते, हम सबके दिमाग से पास होते। मेरी चार अपलाइन है, द फर्स्ट इज, पहली अपलाइन है केसी चावड़ा जी, दूसरी है बीसी चावड़ा जी, तीसरी बहरुद्दीन करवा सर, एंड फोर्थ इज पहला द्राई सर। चार अपलाइन है। केसी चावड़ा जी ने हमें सिखाया एविडेंस के साथ बात करो, बीसी चावड़ा जी ने हैंडल कैसे करनी है ऑडियंस को उसके बारे में बात बताई, बहरुद्दीन जी ने सिखाया द रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल के पीछे मत भागो, रिलेशनशिप के पीछे भागो, रिलेशनशिप अगर बन गई ना तो सेल अपने आप होगी। थोड़ा सोचो ना, जिस नाई से तुम बाल कटाते हो बीच में 100 दुकानें और खुल गई फिर भी तुम वहीं जाते हो, जहां पर तुम पान खाते हो बीच में 10 दुकानें और खुल गई अभी भी वही पान खाते हो, जहां पर तुम ब्यूटी पार्लर में जाते हो बीच में 10 ब्यूटी पार्लर और खुल गए फिर भी तुम वहीं से लेते हो, किराने की दुकान से जिस समय से आप माल ले रहे हैं बीच में कई दुकानें खुल गई लेकिन फिर भी आप वहीं से माल ले रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने रिलेशनशिप को बिल्ड कर दिया, और जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है ना तो सेल चुटकियों का खेल होता है। थोड़ा सोचो कि आप जिस किराने वाले से सामान लेते हो कैसे रिलेशनशिप बनाता है आपके साथ, है ना, जिस दिन सामान नहीं लेते आपके हाथ में दोनों हाथ में थैले होते हैं ना तो कहता है भाभी जी कहां जा रहे हैं थक जाएंगे, मैं लड़का भेज देता हूं ना, आप जाइए घर पर आ जाएगा थैला आपके घर। वो इस तरह की रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है कि आप जीवन में दूसरी जगह जाने की सोचते नहीं, लेकिन आपका माल क्यों नहीं बिकता, क्योंकि आप सीधा मुर्गी को हलाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज की आज काट ली जाए, उसकी जरूरत के बगैर सामान दे दिया जाए। अरे एक बार आप किसी टकले को कंघी बेच सकते हैं, दूसरी बात बेचने जाओगे तो तुम्हें टकला कर देगा। रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। पहला ड्राई सर ने हमें सिखाया कैलकुलेशन, कमीशन कैसे आता है, तीन लेगों से रॉयल्टी कैसे आती है, चार लेगों से टेक्निकल कैसे आता है, ये पहला ड्राई सर ने सिखाया, और चारों अपलाइन से हम चारों बातें सीखे और चारों अपलाइन से कमीशन में आगे निकल गए। क्योंकि सब लोग चारों बातों में होशियार थे, हम चारों बातों को सीख गए और चारों में होशियार हो गए। बस इतना सा काम आपको करना है, सबसे सीखना है, जो भी सामने आ जाए केवल आपको सीखना है कि मुझे इससे क्या लेना है, और वो चीजें आपको प्राप्त कर लेंगे। हर साल पास होते थे, फाइनल एग्जाम भी पास हो गए, जैसे तैसे बीकॉम हो गई। बीकॉम होने के बाद 10 दिन तक तो पिताजी ने कुछ नहीं बोला, पिताजी से हमें बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि पिताजी ना डिफेंस वाले आदमी थे, डिसिप्लिन वाले, और ऊपर से फुटबॉल के शौकीन, इतने शौकीन थे कि चलते चलते ही लात पड़ती थी, डर लगता था उनके, दूर से हम 20 फीट दूर से निकलते थे बात करते करते, मतलब को जवाब देना होता तो 25 फीट की कम से कम दूरी बनाते थे फिर जवाब देते थे, क्योंकि पास में रहेंगे तो किक लग जाएगी, डर लगता था। पिताजी ने कमरे में बुलाया, पैर कांप रहे थे, अब क्या फरमान आएगा, तो पिताजी ने क्लियर कट बोला, बेटा अब तेरे बीकॉम का एग्जाम हो गया, अब तू नौकरी ज्वाइन कर ले। मैंने कहा पिताजी नौकरी, मैं पार्ट टाइम काम करता हूं, 2-2 हजार कमाता हूं। मुझे पता है क्या करता है तू, अभी तो बीकॉम हो गया है, अब लड़की वाले आएंगे, सगाई संबंध वाले आएंगे, वो पूछेंगे तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लेक करता है। उनकी समस्या कुछ और थी, उन्होंने मुझे जबरदस्ती दोस्त के पिताजी की मदद से एक नौकरी ज्वाइन करवा दी, नौकरी ज्वाइन कर ली मैंने, और लेकिन नौकरी भी अलग तरह से करता था। पूरे महीने मैंने इतना झुमके काम किया कि मेरा पूरा बॉस खुश। एक महीने बाद सैलरी की बात आई तो मुझे बुलाया गया और कहा शाबाश वेरी गुड, बहुत आगे जाएगा, सारे नए बीकॉम को हम 700 रुपए सैलरी देते हैं, तुझे 750 देंगे। 2-2 हजार रुपए पार्ट टाइम कमा लेता था, उस समय मुझे 12 घंटे के 750 रुपए दिए गए। उसी समय हमने कसम खा ली, बार आते ही हमने हंसकर गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद, नौकरी करेंगे ही, तेरी किस्मत बार बार नौकरी पर ही लेके आती।
नौकरी नहीं करेंगे ठान लिया, लेकिन जब घर पर आ रहे थे तो पिताजी का चेहरा सामने आया। पिताजी को क्या समझा, यहां पर साला हमारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता था। जब हमारा दिमाग चलना बंद होता था तो हम पड़ोसी के पास नहीं जाते थे, अपने परम मित्र के पास जाते थे। परम मित्र कौन है? अपने दिमाग के पास गया, मैंने दिमाग से बोला अरे भाई नौकरी नहीं करनी है, सोच लिया। लेकिन पिताजी को कैसे समझाएंगे? तो दिमाग ने कहा पिताजी को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती, तेरी मां को छोड़कर। दिमाग ऐसे ऐसे आईडिया देता भाई तुम सोच नहीं सकते। अगर तेरी मां को तूने पटा लिया तो पिताजी को अपने आप उस काम में आना पड़ेगा, इसलिए तू मां पर संघर्ष कर बेटा, पिताजी की तरफ मत जा। मां मां मां, दुनिया में मां जैसा कोई है ही नहीं। मां कंपैरिजन लेस, पूरी पृथ्वी पर मां का कोई कंपैरिजन नहीं करता कि तेरी मां ऐसी मेरी मां ऐसी। मां तो मां है मेरे भाई, मां का दिल और मां का दिमाग, मेरे की सोच, मां का सोचने का तरीका पूरी पृथ्वी पर बच्चे के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बच्चे के एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो बच्चे का दोस्त नहीं निकालती, वो कहते टीचर को ही नहीं आता। अब ऐसी मां जो इस तरह से सोचे, संभव है भाई? मां की तरह आप कोई सोच नहीं सकते, सोचने का तरीका ही अलग। मां के सामने कोई आदमी आकर उसके बेटे की बुराई करे, साला गलती सही भी है तो भी सामने वाले की बैंड मां बजा देती। मां मां से कंपैरिजन मत कीजिए, मां से पंगा मत लीजिए, मां जैसी सोच ही कभी हो ही नहीं सकती। बच्चा जब नौटंकी करता है ना तो मां को पता है ये नौटंकी कर रहा है, फिर भी उस नौटंकी में उसका साथ देती है, ये वो मां है। इस मां को सलूट करो भाई, मां जैसा पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। मैं मेरे मां के पास जाने से पहले तैयारी करता था। मैंने पहले कहा कि मैं जब टारगेट पे जाता था तो बिना तैयारी नहीं जाता। कादर खान को अगर भिखारी बनाना है तो सबसे पहले डायरेक्टर उसकी ड्रेस चेंज करता है और भिखारी जैसी शक्ल बनाता है, तभी लोग कहते हैं भिखारी। तो पहले मैं अपने मिरर के सामने गया, कांच के सामने, और पहले शक्ल बिगाड़ी मैंने, ताकि माँ को दया आनी चाहिए ना। तो बाल वाल मैंने अपने बिखेरे, बाल वाल बिखेर कर पानी थोड़ा आंखों पे मारा ताकि लगे कि आंसू आ रहे हैं। फिर मिरर के सामने तीन चार तरह से शक्ल बिगाड़ बिगाड़ कर देखी कि शक्ल कैसी ठीक लगेगी, इस पर दया आएगी। तो जिस शक्ल पर मैं कॉन्फिडेंस था वो मैंने फाइनल किया, तैयारी मेरी कंप्लीट हुई। फिर मैं अपने माँ के पास गया और डायलॉग बोला। डायलॉग नंबर वन, माँ बहुत अन्याय हो रहा है माँ मेरे साथ। अब माँ कोई बच्चे के प्रति अन्याय सहन कर सकती है? वो तुरंत बोली कौन कर रहा है तेरे साथ अन्याय? मैंने कहा माँ वो मेरा बॉस है ना माँ, मुझे 750 रुपए का समझता है माँ, क्या मैं तुझे 750 का दिखता हूं? माँ ने कहा कौन कहता है तू 750 का है, तू मेरे लिए करोड़ों का है। माँ मैं करोड़ों का हूं या तो तू जानती है या मैं जानता हूं, बापू को कौन समझे? माँ को गुस्सा आ गया, तेरा बापू किस खेत की मूली है, आने दे भाई समझा देंगे उसे। एकदम खुश, एकदम काम हो गया मेरा। अब माँ को क्या टच ही करना था, माँ तो एकदम फायर हो गई थी, तैयार थी, बम फूट नहीं था। तो हम माँ के पास बैठ गए, मैंने कहा जूही बापू आएंगे हम तुरंत माँ को छेड़ देंगे। तो बापू आ रहे कि नहीं आ रहे, हमने पीछे घूमकर देखा तो बापू तो पहले पीछे खड़े थे। पूरी की पूरी वाट लग गई, नौकरी हमें कंटिन्यू करनी पड़ी, लेकिन नौकरी भी अलग तरह से करते थे। सारे बच्चे क्या करते थे, जल्दी काम में फ्री होते, टारगेट पूरा करते और सब लोग चाय की केबिन पे इकट्ठे हो जाते और चाय की केबिन पर इकट्ठे होकर बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे, क्योंकि किसी भी दोस्त की घर पे तो चलती नहीं थी, घर पे तो बीबी की चलती थी। वो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे, ये विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, इस बात का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, सरकार किसकी बनेगी, सब फालतू की बातें करते थे और मुझे भी बुलाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं जल्दी फ्री होता था तो बॉस की केबिन में जाता था। सब लोग कहते थे मूर्ख आदमी बॉस की केबिन में जाएगा तो बॉस फिर काम बता देगा। मैंने कहा भाई जो सीखना है वही तो सीखेंगे, मुझे चाय बनाना नहीं सीखना तो मैं चाय की केबिन पे नहीं जाता, मुझे बॉस बनना सीखना है तो मैं बॉस की केबिन में जाता हूं, जो मैं जाऊंगा वही सीखूंगा। जिस भी बॉस के केबिन में जाता था उस बॉस के काम हथिया लेता था, 6 महीने बाद बॉस को फ्री कर देता था, बॉस के सारे काम करता था। बॉस इतना खुश होता था कि इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट लगते थे। पूरे कंपनी के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ कि 6 साल में 12 इंक्रीमेंट लगे मेरे, 6 साल में 12। 1999 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक थी। डीसी डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर की बेसिक सैलरी जब 1997-98 में 9,998 थी तब मैं 13,000 कमाता था, लेकिन 13,000 पर भी शांति नहीं थी। मेरा बॉस 17,000 सैलरी लेता था, मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मार्केटिंग मैनेजर, लेकिन मैं क्या करता था, कंपनी मुझे मार्केटिंग टूर पर भेजती थी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, सारे बच्चे ना घूमते थे मार्केटिंग के बच्चे, जब एक सारी कंपनी के बच्चे एक सिटी में मिल जाते तो सब खुश होते ना, एक ही बिरादरी के आदमी मिल गए तो सारे खुश होते, सब कहते अरे तू भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर, फिर आते हैं 8 बजे होटल पर, ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे। समझाऊं कि समझ ले, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप, सब अपने आप सब समझ आते हैं, मुझे ज्यादा नहीं समझाना पड़ रहा। सब लोग कहते हैं ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे, हम ढक्कन खोल के पार्टी नहीं करते थे उस जमाने में भी, हम क्या करते थे, 50 रुपए जेब से खर्च करते थे, 25 रुपए जेब से खर्च करते थे और सिटी घूमते थे, दिल्ली में आते थे दिल्ली को घूमते, बॉम्बे में जाते थे बॉम्बे को घूमते, मतलब कलकत्ता में जाते तो कलकत्ता को घूमते। कलकत्ता को घूमते वक्त एक ही बात सोचते थे, इस कलकत्ता में ऐसा क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता, और जो भीलवाड़ा में नहीं मिलता कलकत्ता से उठा के ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। मैं बेचने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। आम आदमी और खास आदमी में अंतर क्या है यही समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी और खास आदमी में अंतर क्या है यही मैं समझाना चाहता हूं। मुकेश अंबानी आज भी रात को सोता है तो सोचता है अब क्या बेचूं, साला धनिया बेच दिया, पालक बेच दिया, गोभी बेच दी, अब क्या बेचूं। मुकेश अंबानी आज भी सोचता है अब क्या बेचूं, और तुम कहते हो मैं क्यों बेचूं। बस यही अंतर है आप में और कामयाब लोगों का। लेकिन जो कहता ना मैं क्यों बेचूं, असल में वो बेचता ही है, क्योंकि जहां पर तुम नौकरी करते हो वो नौकरी में पैसा ही तुम्हारे बेचने की वजह से आता है। तुम रेलवे में जॉब करते हो, रेलवे तो बेचता है ना, रेलवे का बिकता है तब तुम्हें सैलरी मिलती है, रेलवे ने तुम्हें बेचने के लिए ही लगाया है। तुम बैंक में जॉब करते हो, बैंक सर्विस बेचता है तब उसका प्रॉफिट आता है, तब तुम्हें सैलरी मिलती है, बैंक तो बेचता ही है और तुम बैंक का बेचते हो इसलिए तुम्हें सैलरी मिलती है, और सेल से ही तो सैलरी बनी है। सेल अगर दूसरों की करते हो तो मिलती है सैलरी, सेल से सैलरी, सेल से सैलरी, लेकिन जब खुद का सेल करते हो तो प्रॉफिट मिलता है। करना है तो खुद का करना, ये हमें उस दिन से पता है। हम कभी 3,000 का चाइनीज सीडी प्लेयर लाते थे, 4,000 में भीलवाड़ा में बेच देते थे, 200 रुपए की हेनरी हिल की शर्ट आती थी, 100-100 शर्ट एक साथ लाते थे, 300-300 रुपए में बेच देते थे, क्योंकि भीलवाड़ा में हम एक्सक्लूसिव थे, क्योंकि इतना घूमने का मौका मिलता था, पूरे भीलवाड़ा में किसी के पास इतना घूमने का मौका नहीं मिलता था। मार्केटिंग के आदमी रोज नए स्टेट पे, और ऐसी चीजें भीलवाड़ा में नहीं आ सकती, उनका कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, और हम रेगुलर जाते थे। अब आने जाने का खर्चा तो कंपनी करेगी, साला बिजनेस हमारा हो रहा है। हमने ऐसे कारनामे कर डाले, 13,000 एक्स्ट्रा इनकम होती थी, 13,000 सैलरी, 13,000 एक्स्ट्रा इनकम, 26,000 रुपए पर मंथ 1999 में 26,000 का मतलब क्या है समझा देता हूं। 1999 में 26,000 का मतलब है आज के 3.25 लाख रुपए। उस समय 26,000 का मतलब था आज के 3.25 लाख रुपए पर मंथ। अब मैं आपसे कहता हूं कि 3.25 लाख रुपए पर मंथ जिसकी सैलरी है उसे आप आरसीएम समझाओ, आप खुद ही कह रहे नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि हमें समझाना नहीं आता। अगर कोई नहीं समझेगा तो मुकेश कोठारी कैसे समझ गए? कोई नहीं समझेगा तो उस समय हमारा बॉस कैसे समझ गया जो उस समय 17,000 रुपए सैलरी कमाता था। जब कोई कहता ना सर समझ में नहीं आया, टाइम नहीं है, कर तो लेंगे लेकिन अब कैसे करें, इसका मतलब आप समझा नहीं पाए। जब बात समझ में आती है ना तो लोग बात फालतू की बातें नहीं करते, उस काम पर लग जाते हैं। टाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी एक लड़का लड़की को प्यार होता ना तो मिलने का समय निकाल लेते। एक लड़का था एक लड़की थी, 40 साल पुरानी बात है। पहले प्यार का प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, अभी शॉर्ट नहीं है, सीधा व्हाट्सअप करो आई लव यू, उनसे जवाब आया आई लव यू, काम हो गया। ऐसा नहीं होता था पहले, लंबी कहानी चलती थी थोड़े दिन तक, तो ना बस चलते चलते देखना पड़ता था कि आंखें से आंखें मिल रही कि नहीं मिल रही। जब थोड़ी थोड़ी आंखें मिलने लगती थी थोड़ा सा पता चलता था कि सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो फिर धीरे 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 चिट्ठी पत्री होती थी, छोटे छोटे चिट्ठी लिखते थे इधर से उधर फेंकते थे, फिर चिट्ठी पत्री के बाद फिर क्या होता था,
कैसेट से मार्केट में जो टेप आती थी, कैसेट आती थी, उसमें गाने भरवा के लाते थे कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, और थर्ड पार्टी अप्रोच की जाती थी। अगर आमने सामने घर है तो इधर से गाना बजाया जाता, उधर से भी गाना बजाया जाता, पता चलता था कि कितना प्यार है। और लास्ट में सबका एक ही गाना बजता था, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। जब डिसाइड होता है कि मिलना है तो सबसे पहले लड़का लिखता, डार्लिंग शाम को 6 बजे बाद मिल सकते हैं इस मॉल में। तो लड़की कहती है 6 बजे ही क्यों? वो कहे 6 बजे ही छुट्टी होती है नौकरी से, उससे पहले बॉस छुट्टी नहीं देता, टाइम नहीं है। तो लड़की कहती है मैं तो 6 बजे बाद नहीं मिल सकती, मैं 6 बजे पहले मिल सकती हूं, 6 बजे बाद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेरा बाप भी करता है नौकरी और वो 6 बजे घर पर आ जाता है। अब दोनों की समस्या भारी है, टाइम नहीं है, तो क्या दोनों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। धीरे क्यों बोल रहे हो, बीवी बैठी है, तेज बोलो ना यार, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कोई रोक सकता उनको मिलने से? कोई रोक नहीं सकता उनको मिलने से, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर है, मिलना क्यों है। जिस दिन आरसीएम करना क्यों है किसी को समझा दिया ना, रात के अंधेरे में करेगा और समझ में नहीं आया तब तक बोलेगा टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। मुकेश कोठारी ने जैसे तैसे सब कुछ ठीक चल रहा था, नौकरी कर रहे थे, फिर एक घटना घटी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज पर ले जाना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम आधी बात मानते हो आधी नहीं मानते, इसलिए तुम्हारे जीवन में कंफ्यूजन भरा हुआ। क्या आप मानते हैं कि इस पूरी दुनिया की डोर को चलाने के लिए एक परम पिता परमेश्वर है, जिसे हम भगवान अल्लाह ईसा मसीह जो भी कहते हैं, जो भी हम मानते हैं धर्म में, लेकिन मानते हैं कि ये एक पावर है, इस पावर से पूरी दुनिया चलती है। यस और नो? इसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी इस पृथ्वी से हिल नहीं सकता। हेलो, मानते कि नहीं मानते? तो फिर आप 60 किलो के हैं, कैसे हिलकर यहां आ गए? मैं वही समझाना चाहता। एक तरफ तो आप कह रहे पत्ता भी नहीं हिल सकता, और आप यहां कैसे आ गए? पत्ता जब नहीं हिल सकता तो ये गॉड प्लानिंग है, ये चक्रव्यूह रचना करती है, ये ऐसे ऐसे कारनामे ऐसे ऐसे व्यक्ति के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा तुम्हारे पास आता है और तुम्हें उसे समझने का मौका देता है। मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं आपको घटना घटित बताना चाहता हूं। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, मेरा दोस्त जयपुर में पढ़ता था, मैं भीलवाड़ा में पढ़ता था। 2 दिन की छुट्टियों में मैं जयपुर घूमने गया, उस समय बहुत शौक होता था बड़ी सिटी में जाने का, तो मैं 2 दिन के लिए जयपुर गया। 2 दिन तक दोस्त के साथ खूब मजे किए, लेकिन 3रे दिन जब मैं रवाना हुआ, ट्रेन पे जाने के लिए रवाना होने लगा, तो बॉस ने कहा यार भाई रुक जाना यार एक दिन और, मन नहीं भरा। मैंने कहा भाई मन तो नहीं भरा मेरा भी, मैं अगली बार आऊंगा तो एक दिन एक्स्ट्रा रुकूंगा, लेकिन आज जाने दे। वो कहा नहीं यार प्लीज, मेरे कहने से मत जा। मैंने कहा यार बहुत ज्यादा जरूरी यार, जाना पड़ेगा। वो कहा भाई नहीं जा। 8-10 बार उसने बोल दिया। जब उसको लगा कि मुकेश कोठारी मेरी बात नहीं मानता, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने कहा अगर आज चला गया तो दोस्ती खत्म। ब्रह्मास्त्र इतना तगड़ा था कि मुझे एक दिन रुकना पड़ा और रुकने का निर्णय लिया, लेकिन रुकने के 3 घंटे बाद रेडियो में न्यूज आई कि जिस ट्रेन में मैं जाने वाला था वो ट्रेन पटरी से उतर गई, 9 आदमी मरे। गॉड क्या करवा रहा है, किस आदमी को किस तरह से हमारे पास भेज रहा हमें पता ही नहीं। आज के 23 साल पहले जब आरसीएम आया था, जब मेरे बॉस ने मुझे बताया था, तो मैं उसे उल्लू का पट्टा समझता था। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है, मेरे चमड़े के जूते बनाकर भी उसे पहनाओ ना, तो हमें लगता है कि इसके एहसान को हम जिंदगी में उतार नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय एक परिस्थिति आज हमारी सोच में, आज हमें यहां पर लेकर आए गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से आरसीएम को जानते हैं, लेकिन 10 साल से एक भी मीटिंग में नहीं गए, आज आए। क्यों भाई, 10 साल पहले भी तो आ सकते थे, आज ही क्यों? गॉड प्लान, ये चक्रव्यूह घुमा रहा है भगवान। 10 साल से हम बहाने बनाते जा रहे थे, आज आना पड़ा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछले 4 महीने से हर महीने सामने वाले को चक्कर दे रहे थे, आज पेट खराब है, आज सिर खराब है, आज बीवी की तबीयत खराब है, आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आज आ गया। कुछ लोगों तो ऐसे भी हैं अभी तक जिनकी शक्ल से लग रहा है कि किडनैप करके लाए, लेकिन गॉड प्लानिंग है। किस जगह से, कहां से, क्या करने से आप कहां पर जाएंगे, ये पूरी चक्रव्यूह पर ही रचना हो जाती है।
मेरे साथ ऐसे ही घटना घटी, अभी के हिसाब से 3.5 लाख सैलरी मानी आप, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे पता था, मेरे भगवान को मुझे पता था कि भगवान जानता था कि ये छोटे मोटे आदमी थे तो समझेगा ही नहीं, इसलिए उसने चक्रव्यूह की रचना की बड़े व्यक्ति से। आप में से कोई आदमी मुझे बुलाता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन मुझे बुलाने वाला था मेरा बॉस, और बॉस के सामने मेरी चलती नहीं थी। बॉस मेरे पास लंच में आया सैटरडे के दिन और मुझे धीरे से कहता, मुकेश कल संडे है, 10 बजे मेरे घर पर आ, एक छोटा सा काम है, 1 घंटे में फ्री कर दूंगा। तो मुझे बड़ा शंका हुई, मैंने कहा ये संडे को खराब करने की प्लानिंग और साजिश रच रहा। मैंने कहा भाई साहब अगर कोई काम है तो मेरे को अभी बता दो, मैं एक्स्ट्रा रुक जाता हूं, लेकिन प्लीज कल नहीं। उसने कहा फालतू की बातें करता है, 1 घंटे में फ्री कर दूंगा ना, कह दिया तुझे। नो फॉर्मेलिटीज, ऐसा ऐसा इन्विटेशन की साला बोलने का मौका। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे आए होंगे ना, बहन आ गई, अब भाई कैसे मना करे, भाई आ गया, बहन आ, कैसे मना करे, अलग अलग तरीके से मंत्र कर लाए गए आए हैं, कोई ना कोई तरीका सोर्स निकला है उनका और वो यहां पहुंच गए, मैं भी पहुंच गया। बीबी को बताया नहीं रात को, नहीं तो रात को बीबी मुझे खुद देर तक सुनाती। सुबह बीबी एकदम स्कूल ऑफिस जाने के में सॉरी मार्केट में जाने का वक्त हुआ, प्लान था कि 10 बजे हम बाहर से निकलेंगे, तो बीबी भी तैयार हो रही, मैं भी तैयार हो रहा हूं, लेकिन जब बीबी तैयार होने की, मैं फटाफट तैयार हो गया, बीबी को थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने उसको कहा सुन तो तैयार हो मस्ती से। बीबी को आश्चर्य हो रहा था, ये पहली बार कह रहा था मस्ती से तैयार, बाकी हमेशा कहता था धीरे फटाफट हो जा फटाफट हो जा, आज कह रहा मस्ती से हो जा। मैंने कहा भाई डार्लिंग छोटा सा काम है, बॉस ने 1 घंटे के लिए बुलाया है आज भी बॉस, मैंने कहा 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, बॉस को चकमा देना मेरा छोटा मोटा काम, 1 घंटे में फ्री होगा, तू बस तैयार हो जा मैं भी आता हूं। और मैं बॉस के घर पर पहुंच गया, जैसे आज आप यहां पर पहुंच गए। अब घटना घटित होती, देखिए बॉस के घर में 10-15 लोग बैठे थे, आगे चेयर लगी थी, 2-3 ऐसे कार्टून इधर उधर घूम रहे थे जिन्होंने गर्मी में सूट पहन रखा, टेम्परेचर 48 डिग्री, राजस्थान में तरतर करता मौसम, नॉन एसी हॉल, पसीना तरतर कर रहा साला जब्बे पजामे में, और इस आदमी ने सूट डाल रखा, वो भी गले में कसके टाइट लगा रखी। मेरे परम मित्र से मैंने पूछा, परम मित्र कौन है, मैंने परम मित्र से पूछा अरे ये किस प्रदेश के आदमी है, इनको इतनी सर्दी क्यों लग रही है। तो परम मित्र का चुप, माइंड योर बिजनेस, क्या करने आया है उस काम पर ध्यान दे, ये सर्दी में पजामा पहने की चड्डी पहने तेरे को लेना देना क्या। मैंने कहा बात तो एकदम सही है, फिर मैंने उस बात पर सोचना बंद किया। फिर थोड़ी देर बाद एक कार्टून ने फंक्शन चालू किया, वो आगे आया और आते कहा भाई और बहनों ये जोश का बिजनेस है। मैं और कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ले अब ये जोश का भी बिजनेस करेंगे तो जोश की पैकिंग कैसे करेंगे, जोश को तोलेंगे कैसे, जोश का हिसाब किताब कैसे होगा, मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं, कोई जोश का भी बिजनेस होता है। हम एकदम शांत बैठे रहे, सोच रहे थे कि आगे, क्योंकि परम मित्र से एक बार पहले डांट दिया तो बार बार क्या पूछ। तो फिर दूसरी बात का इंतजार करने लगे तो दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी ने कहा भाई और बहनों ये जोश का बिजनेस है इसलिए बजाओ ताली। और इतनी हंसी आई, मैंने कहा तू एक लाइन तो बोल तो ताली बजाओ, साला अभी तक एक लाइन नहीं बोली और कह रहा ताली बजाओ, हम क्या ताली बजाने के लिए पैदा हुए हैं, नहीं बजाएंगे ताली। और मैंने एक ताली नहीं बजाई, और यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहा मेरे को भाई नजर आ रहा मेरा, बिल्कुल चका भाई को भी ताली नहीं बजा रहा, मैं भी ताली नहीं बजा रहा, एक भी ताली नहीं, ताली वाली नहीं। फिर तीसरा कार्टून आया, मेरे आने से पहले यहाँ पर भी कई कार्टून आए होंगे सभी जगह, तीसरा कार्टून आया, तीसरे कार्टून ने आते ही बोला भाई और बहनों अब हम आपके सामने बुलाने जा रहे हैं इस पृथ्वी के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन आया, बहुत समझदार लोग हैं, आई लव यू, आज के कार्टून हम ही हैं जैसे मैं कहता हूं। उस दिन के कार्टून थे हमारे ग्रेट ग्रेट अपैन श्रीमान बीसी छावड़ा सर, जिसके बारे में आपसे बात, बीसी छावड़ा जी आए स्टेज पर, 48 साल की उनकी उम्र थी, काला कलर का सूट, गोरा कट, उनका चेहरा, बात करने का स्टाइल, बात करने का इरा सलीका था कि साला हंसी मजाक मजाक में वो कैसी बातें कर जाते थे, डायलॉग तो उनके मुंह पर रहते थे, बातों बातों में कितने कविताएं बना देते, डायलॉग बनाते थे, बात करने का ऐसा अहम तरीका मैंने मेरी जीवन में पहली बार देखा। और भाई साहब मैं तो 1 घंटे बाद भूल ही गया कि मैं क्यों आया हूं, और मैं तो उनको सुन रहा हूं, इतना हंस हंस के सुन रहा, मैं मुस्कुरा रहा, ताली बजा रहा। जब मैं ताली बजाता था ना तो मेरा मुझे बॉस मेरे को देख देख के मुस्कुराता था।
यहाँ पर भी आप नए हैं और आप मुस्कुराएंगे तो देखना आपको जो लेकर आया वो बहुत खुश होगा। मेरा काम हो गया।